आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एडी कंस्ट्रक्शन आपका वही चैनल है जो आपके लिए नए से नए घरों की वीडियो ढूंढ के लेके आता है और जो भी नए घर बनते हैं उसके आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। और हम सारे हाउसेज मोस्टली कवर करने की कोशिश करते हैं जितने भी आपके बजट होम्स हों। तो अब हमने रिसेंटली एक विद मटीरियल कोठी का कंस्ट्रक्शन का ठेका लिया था, तो हमने उस कोठी को तैयार किया है। तो आज मैं बस आपको उसी का दिखाने जा रहा हूँ, उस कोठी को हमने कैसे रेडी किया है। और अगर आपने हमसे बनवानी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है स्क्रीन के ऊपर। तो आज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तो ये सारा आज का जो हमने घर तैयार किया है किसी का वो वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मॉडलर किचन बनी हुई है जैसे कि आज की डिमांड होती है। और काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग के साथ हमने बनाया हुआ है इसको, इसके अंदर बाहर सनमाइका लगा हुआ है। ये देखिए हमने पूरी मॉडलर किचन बनाई है, सारा कंप्लीट यहाँ पे कपबोर्ड का काम है, ऊपर भी कपबोर्ड का बनाया हुआ है। और आप देख सकते हो सारा इसमें डाउन सीलिंग वगैरह, किचन में लाइट्स दी हुई हैं, डिजाइनर लाइट्स दी है, फैंसी लाइट्स दी हुई हैं। आप देख सकते हो किचन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, कंप्लीट किचन है ये। GTPT आ गई, इधर हमने ये LCD कॉर्नर आ गया ड्राइंग रूम में। आप देख सकते हो सारा ड्राइंग रूम बहुत बड़ा ड्राइंग रूम हमने बनाया हुआ, लॉबी एरिया बहुत अच्छा स्पेसियस है, कंप्लीट डाउन सीलिंग है। और वीआर लाइटें वगैरह सारी हमने हैवल्स या गोल्ड मेडल की यूज की हुई है, RR की केबल लगाई हुई है। तो आइए अंदर से आपको बेडरूम भी दिखा देता हूँ। बेडरूम का साइज जो हमने बनाया है वो 9.25x14 का है, इसमें भी कंप्लीट डाउन सीलिंग है और कंप्लीट वुडवर्क दिया हुआ है, ऊपर तक रूफ तक वुडवर्क है। इसका जो कोठी का साइज है वो 20x60 है, 133 गज का घर है। इधर हमने सारा ऊपर AC की पाइप दी हुई है, इसके साथ ही अटैच वॉशरूम है, वॉशरूम में भी 2x4 की कटिंग करके टाइल लगवाई हुई है, इसमें भी डाउन सीलिंग हुई हुई है, 1P सीट लगी हुई है, बेंदी वगैरह सारी फिटेड है। और सारी जो एक्सेसरी है हमने जेल कंपनी की लगाई हुई है जो कि इक्वल टू जगुआर की है। इसके साथ ही हमने बैकयार्ड एरिया पे वॉशिंग एरिया दिया हुआ है। इस कोठी में सारे हमने पिलर और टाई बीम दिए हुए हैं, तो हमने एक तरफ स्टोर दे दिया, जो भी जाली के दरवाजे हैं वो भी हमने बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के लगाए हुए हैं। और जो बेडरूम के डोर्स हैं वो फ्लश डोर है, 1mm सनमाइके के ये दरवाजे लगे हुए हैं सारे। और जो इनको हमने लॉक्स यूज किए हैं वो भी बड़े अच्छी क्वालिटी के हैं। और इस बेडरूम में भी कंप्लीट वुडवर्क है, ऊपर तक रूफ तक कपबोर्ड का काम है। इधर हमने ड्रेसिंग आ गया, मिरर लगाया हुआ है, और ये हमारा दूसरा बेडरूम आ गया। इधर हमने इसमें 5x5 का मंदिर दिया हुआ है, ड्राइंग रूम और लॉबी हमने बहुत ही स्पेसियस दिया है। हम नीचे से देख सकते हैं सारी फ्लोरिंग टाइल्स वगैरह 2x4 की टाइल लगाई हुई है। बाहर का पोर्च आ गया है, पोर्च में भी सारा ग्रेनाइट लगा हुआ है और स्टेयर्स में भी सारा डबल मोल्डिंग वाला ग्रेनाइट लगा हुआ है, स्टील की रेलिंग फिटेड है। ये फर्स्ट फ्लोर का पोर्शन आ गया ऊपर, यहाँ फर्स्ट फ्लोर के पोर्च में टेरेस में भी सारा ग्रेनाइट फिटेड है, फ्रंट पे भी स्टील की रेलिंग है विद टफन ग्लास लगा हुआ है। और एलिवेशन में हमने टाइल लगाई हुई है फर्स्ट फ्लोर पे, और ये साइड पे हमने लूवर दिया हुआ है। और फर्स्ट फ्लोर पे भी पोर्च में डाउन सीलिंग हुई है सारी। वॉशिंग एरिया आ गया,
ये फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक बेडरूम, लॉबी, किचन और बाथरूम अटैच दिया हुआ है। किचन में भी सारा वुडवर्क हुआ हुआ है। चौखटे और दरवाजे सारे 8 फुट के ही हैं। तो ये आ गया हमारा बेडरूम ऊपर फर्स्ट फ्लोर। इसके साथ अटैच वॉशरूम है, डाउन सीलिंग हुई हुई है, जैसे कि पाइप भी यहाँ डाली हुई है। ये अटैच वॉशरूम हो गया, इसमें सारा हमने ब्रांडेड सामान यूज़ किया हुआ है। टाइल भी सारी 2x4 की कटिंग करके लगाई हुई है। 1 पीस सीट हो गई, वॉश बेसिन हो गया विद मिक्सचर, डाइवर्टर हो गया। ये साथ में एक लॉबी दी हुई है, ये पीछे का बैकयार्ड आ गया, यहाँ फाइबर शीट लगा दी है। सारा काम हमने टोटली 1 क्लास मटेरियल से करवा के दिया हुआ है।